और इस बीच एक बड़ी खबर, ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, शिक्षक भर्ती घोटाले में ये अहम कार्रवाई है, जिसको लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। उनके करीबी के घर से बहुत बड़ी रकम बरामद हुई थी, 20 करोड़ कैश बरामद हुआ था, अभी भी काउंटिंग जारी है। लेकिन बड़ी जानकारी ये कि पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है शिक्षक भर्ती घोटाले में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी और काफी करीबी भी बताए जाते हैं, और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि पार्थ चटर्जी की जो करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी, उनसे भी, क्योंकि उनके घर पर जब छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में 20 करोड़ के आसपास कैश बताया गया, मशीन मंगानी पड़ी उस कैश को गिनने के लिए। और इतना ही नहीं, जो जेवर हैं उनको भी देखा जा रहा था कि आखिर कितनी मात्रा में वहां पर मौजूद है। और देखिए अब खबर इस बीच है, क्योंकि लगातार कार्यवाही चल रही है, आखिरकार पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि पार्थ चटर्जी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था, कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके बाद डॉक्टर टीम भी वहां पर पहुंची थी, लेकिन कोई भी तिकड़म अब काम नहीं आया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाले की जांच अब मंत्रियों तक पहुंच चुकी है और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो ईडी के अधिकारी एक्शन में अनुज हमारे साथ सीधे ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गए हैं। अनुज, शिक्षा घोटाले की जो आंच है वो सीधे सीधे मंत्रियों तक पहुंच गई है, और बड़ी रकम की बरामदगी के बाद अब जो खबर है वो ये कि पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई लगातार कल से हम देख रहे थे कि करीब 13 ठिकानों पे ईडी जो है लगातार छापेमारी कर रही थी, और जो एसोसिएट थे खासतौर पे पार्थ चटर्जी के, उनके घर से जो कैश की बरामदगी हुई, ज्वेलरी की बरामदगी हुई, साथ ही साथ कई सारे गैजेट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले थे, उसके बाद से ही लगातार गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकती हुई दिख रही थी। निश्चित तौर पर ईडी का साफ तौर पर यही कहना था कि उनके पास तमाम ऐसे एविडेंस है जिसके बेसिस पे ये साफ होता है कि किस तरीके से जो ये स्कैम था, उस पूरे स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, और इसी वजह से फिलहाल जो है ये कार्रवाई की गई है। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरीके से जो ईडी की जो एक्शन है, अब पार्थ चटर्जी को पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, उन्हें गिरफ्तार करने की बात सामने आई, लेकिन हालांकि पार्थ चटर्जी की तरफ से निश्चित तौर पर मेडिकल का हवाला दिया गया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। तो निश्चित तौर पर ईडी जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, और कल से ही हम देख रहे थे कि न सिर्फ पार्थ चटर्जी बल्कि टीएमसी के जो दूसरे नेता थे, जो एक मंत्री थे, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही थी। यानी साफ तौर पर ईडी जो थी वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में थी, और ये जो कैश की रिकवरी थी वो अपने आप में एक बड़ा सबूत था, और इसी बेसिस पर फिलहाल जो है वो ये कार्रवाई की गई है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ती हुई पार्थ चटर्जी की भी सामने आ रही है। और बाकी वहां से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अब देखिए सीधा सीधा जो सियासी उबाल है वो भी पश्चिम बंगाल की सियासत में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा था कल भी जब एक्शन लिया जा रहा था, उस दरमियान जो है तमाम तरीके से जो बयान आ रहे थे खासतौर पे टीएमसी की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से, उनकी तरफ से साफ तौर पे ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो ईडी है, सीबीआई है, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो सरकार के इशारे पर काम करती हैं, लेकिन जो ये कार्रवाई की गई और जहां तक कैश की जो रिकवरी हुई, जो गोल्ड की रिकवरी हुई, वो अपने आप में एक सबूत था, और इसी बेसिस पर ये जो कार्रवाई है वो की गई। निश्चित तौर पर हालांकि अभी पार्थ चटर्जी की तरफ से मेडिकल का हवाला दिया गया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है अनुज, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची, उनके स्वास्थ्य की जांच अब मेडिकल के लिए उन्हें ले जा रहा है, लेकिन बड़ी जानकारी ये कि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आप बने रहे हमारे साथ, अपडेट आगे भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।